राधे राधे। आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले दिन कहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर कोई कुछ न कुछ उपाय करता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा भक्ति बेहद जरूरी है। जो जातक शुद्ध हृदय से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन की कमी को दूर करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन साल के पहले दिन कुछ आसान से उपाय को करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके सुख समृद्धि की कामना की जा सकती है। तो आइए जानते हैं नए साल के पहले दिन किन तीन स्थानों पर दिया जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और ये दिया हमें किस प्रकार से जलाने चाहिए। तो पहला दिया जलाना है घर के मंदिर में। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले रोजाना घर पे पूजा पाठ करते हैं। घर की महिलाएं प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और तुलसी माता को दिया दिखाती हैं। मान्यता है कि तुलसी के नज़दीक दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में नए साल के पहले दिन माँ लक्ष्मी के नज़दीक और तुलसी जी के नीचे एक दिया जरूर जलाएं। महिलाएं अगर पीरियड में हैं तो वे घर के किसी दूसरे सदस्य के द्वारा इन दोनों जगहों पर दिया जरूर जलवा लेना चाहिए। तुलसी जी के नज़दीक घी या तिल के तेल का दिया जलाएं। और दूसरा दिया जलाना है कुल देवी देवता के निमित्त। नए साल के प्रथम दिन कुल देवी या देवता के निमित्त घर में एक दिया जरूर जलाएं। कहा जाता है कुल देवी देवता के निमित्त दिया जलाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। और तीसरा दिया देव स्थान पर घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर जलाएं। देव स्थान यानी मंदिर में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में नए साल के पहले दिन सुबह या शाम के समय आसपास के किसी मंदिर में एक दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा से मनोकामना पूरी होगी, साथ ही घर परिवार में सुख शांति रहेगी। तो नए साल के आज पहले दिन इन तीन स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। और जानते हैं कि ये दिया किस तरह से जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पूजा का दौरान घी का दिया हमेशा अपनी बाईं ओर रखें, जबकि तेल का दिया दाईं ओर रखना चाहिए। दिया या दीपक के नीचे कुछ अक्षत जरूर रखें। दीपक जलाते वक्त शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्ध विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र को बोलना अच्छा माना गया है। तो दिया जलाते समय इन बातों का ध्यान रखें और इस मंत्र का जाप करें। नए साल पर आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दी और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।